हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, जिनका यूज करके हमने अभी तक डिटरमिनेंट निकालना सीखा था। तो डिटरमिनेंट का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म मिलेगा हमें यूजिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। साथ ही हम आगे जाके पढ़ेंगे इनको यूज करके, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को यूज कर हाउ टू फाइंड इनवर्स। अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है तो उसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो देखते हैं क्या है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट। माइनर्स, माइनर्स को हम डिनोट करते हैं एम की फॉर्म में, एम आई जे से, एम आई जे। अब कोई मैट्रिक्स दी हुई है और हमें कोफैक्टर फाइंड करना है तो ए आई है। आई किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, आई रिप्रेजेंट रोज, जे रिप्रेजेंट कॉलम। तो अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है, सपोज एक ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसके हम इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, यही होती है ना मैट्रिक्स जो कि 3x3 ऑर्डर की होती है। तो हम ए आई जे, इसके एलिमेंट्स को हम क्या बोलते थे, ए आई जे, जैसे कि मैंने रिप्रेजेंट भी किया, आई मतलब आईथ रो और जे मतलब जेथ कॉलम। तो जैसे कि अगर हमें बोला जाए ए टू थ्री, दैट मींस सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम तो हम देख सकते हैं वाला है सेकेंड रो थर्ड कॉलम का कॉमन पॉइंट क्या होगा, ए टू थ्री। सिमिलरली एम आई जे जब निकलता है तो ए आई जे पॉइंट को कट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचता है उसको हम माइनर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट हमने किया एम आई जे से, अब ए आई जे जैसे कि हमने निकाला, अभी निकाल के दिखा ए टू थ्री, अब हम निकालते एम टू थ्री। एम टू थ्री इज वॉट, ए टू थ्री एलिमेंट निकालो मेट्रिसेस का। ए टू थ्री एलिमेंट को कट जब आप करोगे ना, मतलब ए टू थ्री क्या होता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम को कट करने के बाद जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर हम लिख देंगे, क्या बचा, ए वन वन, ए वन टू, ए थ्री वन, ए थ्री टू। तो ये जो डिटरमिनेंट है इसको हम बोलते हैं माइनर, अलोंग जो कि निकला किसके, अलोंग ए टू थ्री, जो कि ए टू थ्री को कट करने के बाद निकला है माइनर एम टू थ्री। सिमिलरली हम सारे ही हर एक एलिमेंट के अलोंग निकाल सकते हैं, हम M11 भी निकाल सकते हैं, हम M12 भी निकाल सकते हैं, M13 भी निकाल सकते हैं। तो टोटल कितने निकलेंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स में या डिटरमिनेंट में। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर जो हमने कंसीडर की है मैट्रिसेस, उसमें कितने एलिमेंट्स है, टोटल 9 एलिमेंट्स। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड 9 माइनर्स। तो माइनर्स ए वन वन, जैसे अभी पता है मैंने एम वन वन कैसे निकलेगा, तो अलोंग ए वन वन निकलेगा। ए वन वन अलोंग कैसे निकलेगा, ए वन वन कब कट होगा, जब फर्स्ट रो कट होगा, फर्स्ट कॉलम कट होगा एंड फर्स्ट रो कट होगा। उसके बाद जो बचेगा अगर हम उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ये कट होने के बाद ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी, अभी तो हमने एक जनरल फॉर्म लिया है ना मैट्रिसेस का, वही हमारा माइनर। ठीक है, सिमिलरली ए वन टू, ए वन टू के अलॉन्ग जो निकलता है, ये ए वन वन के अलॉन्ग निकला, ये ए वन टू के अलॉन्ग निकलेगा, ए वन थ्री के अलॉन्ग निकलेगा, सिमिलरली मैनी मोर। तो दीज आर कॉल्ड माइनर्स। नेक्स्ट आता है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए आई जे से। अब ये क्या है, वही चीज है जैसे एम आई जे। एम आई जी में क्या था, हमने बस उसके अलोंग जो भी एलिमेंट था उसके अलोंग रो और कॉलम कट किया और बाकी जो बचा उसका सिर्फ डिटरमिनेंट फाइंड किया। लेकिन ए आई जी में क्या एक्स्ट्रा होता है, माइनस वन की पावर आई प्लस जे और बाकी का एम आई जे। मतलब अभी जो हमने निकाला था, जैसे कि ए एम टू थ्री निकाला था, अगर हमें ए टू थ्री निकालना पड़ा तो वो क्या होगा, माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री एंड एम टू थ्री। एम टू थ्री, एम टू थ्री की वैल्यू क्या थी, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कट करने के बाद जो बचा था, हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, माइनस वन की पावर फाइव एम टू थ्री।
सेकेंड रो थर्ड कॉलम कट करने के बाद बचा था A11, A12, A31 and A32। तो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। सिमिलरली जैसे हमारे जितने नंबर ऑफ माइनर्स निकलते हैं उतने ही नंबर ऑफ कोफैक्टर्स भी निकल सकते हैं। तो 9 इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमारे कितने हुए? 9 माइनर्स हुए तो 9 ही कोफैक्टर्स हुए। अब मैट्रिक्स अगर 2x2 की होती तो 4 एलिमेंट्स होते हैं, तो 4 माइनर्स एंड 4 कोफैक्टर्स। अब सपोज करो हमें यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालना हो अलोंग रो 1 या फिर कोई रो या कॉलम के अकॉर्डिंग, तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, इसी का हम क्या निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट। तो अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे, मैं यहाँ से कोफैक्टर ड्रॉप कर रही हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर हम इसको डिटरमिनेंट निकालेंगे तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं। अब डिटरमिनेंट क्या होता है, अगर हम इस ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी व्हाट, जैसे हम निकालते थे अभी तक क्या होता था, हम निकाल रहे रो 1 के अलोंग। सपोज करो रो 1, तो डिटरमिनेंट अलोंग रो 1, तो रो 1 के अलोंग अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो देखो क्या होता था, A11 पहले तो -1 की पावर ही प्लस होता था, तो बताया था -1 की पावर हम लिख लेते थे 1+1 पॉजिटिव तभी होता था, नहीं है पॉजिटिव A11। अब हम क्या करते थे, इन दोनों को कट करते थे बाकी का डिटरमिनेंट, जो कि होगा A22, A23, A32 and A33। तो ये आ गया हमारे पास, अभी अलोंग रो 1 निकाल रहे पूरा नहीं हुआ है। देन हमारे पास नेगेटिव आता था, नेगेटिव वो कैसे आता था, मैंने बताया था आपको -1 की पावर अभी 1+2 हो जाता था, 1+2 फिर क्या लिखते थे A12, और उसके बाद क्योंकि ये एलिमेंट कट करना है तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो कट सेकंड कॉलम कट करने के बाद जो आया जो कि आएगा A21, A31, A23, A23, A33 यही आया ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता था -1 की पावर 1+3, 1+3 देन A13, और कट करने के बाद क्या आता था डिटरमिनेंट इन दोनों को A21, A22, A31 and A32। तो ये आ गया था हमारा डिटरमिनेंट जो कि हम अभी तक कर रहे थे। अब हम देखते हैं इनका माइनर्स एंड कोफैक्टर से क्या रिलेशन है। तो जैसे कि हम जानते हैं इसको हम कितना लिख सकते हैं, अब ये -1 की पावर 1+1 ठीक है, A11 को अगर हम छोड़ दें तो क्या हमारा ये कोफैक्टर नहीं बन रहा A11। अगर हम A11 कोफैक्टर भी मैंने निकालना सिखाया, A11 कैसे निकाला था, A11 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1+1 और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट करने के बाद जो बचता है उसका डिटरमिनेंट। तो देखो फर्स्ट रो या M11 बोला था, M11 क्या होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट करने के बाद -1 की पावर 1+1 और M11 क्या होता था अभी हमने देखा था जो कि डिटरमिनेंट होता है A22, A32, A23 and A33 यही बताया था ना A11। तो क्या हम ये टर्म इंक्लूड करके इसको A11 नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। सिमिलरली A12 को मैंने एज इट इज रख रही हूँ इन सबको। अब देखो बाकी जो बचा उसको मैं लिख सकती हूँ A12, आप निकाल के देखिएगा कोफैक्टर अभी मैंने कैसे निकलवाया था। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर अभी भी नहीं समझ में आया है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर A12, अब A12 किस लिए लिखा, आप निकाल के देखो A12 -1 की पावर 1+2 वही आ रहा है -1 की पावर 1+2, फिर उसको लिखोगे M12। अब M12 क्या होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट करने के बाद जो है उसका डिटरमिनेंट, क्या ये वही नहीं था, इसलिए हमने इसको लिखा A12 प्लस। अब A13 एज इट इज और बाकी को हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल A13, जहां पर कैपिटल A किसको शो करता है कोफैक्टर को। तो हमने ये पढ़ा था, अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर हम ऐसे भी शो कर सकते हैं डिटरमिनेंट को, क्योंकि मैंने ए से मैट्रिक्स डिनोट किए इसलिए मैंने इसको ए डिटरमिनेंट लिखा।
अगर किसी से शो नहीं होती और डायरेक्ट डिटरमिनेंट की फॉर्म आती है तो हम डिटरमिनेंट से भी शो कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, जो कि क्या है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, कि हमने किस रो के अलोंग निकाली थी, ये जो हमारा डिटरमिनेंट था हमने निकाला रो वन के अलोंग, तो उसी रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसकी हुई है, उसी रो के कोफैक्टर से। अब अगर इधर वन वन है तो इधर भी वन वन है, ये ए वन टू है तो इधर भी ए वन टू है, इधर ए वन थ्री है तो इधर भी कैपिटल ए वन थ्री है। दैट मीन्स हमारे पास ये किसका सम और प्रोडक्ट है, ये हमारे पास उस रो का और उसी रो के सेम रो के एलिमेंट्स का विद सेम कोफैक्टर्स, मतलब कि रो वन के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से। अब रो वन के एलिमेंट्स है ये सारे, देखो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, और उसी के ही ए वन वन के ही कोफैक्टर निकालोगे, देखो मैंने निकाल के दिखाया अभी ए वन वन, और सिमिलरली ए वन टू ए वन थ्री। तो हमने यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट पाया कि अगर हम क्या करें किसी भी रो, और ये काम हम कितने तरीके से कर सकते हैं, छह तरीके से, क्यों, क्योंकि तीन रो के अलावा हम एक्सपेंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट को, सिमिलरली हम चाहे तो तीन कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट जब हम करते हैं तो किसी एक ही वे से करते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, सिक्स वेज हुए, ठीक है। और हर एक में आप देखोगे आप किसी और रो के अकॉर्डिंग निकालोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो भी देखोगे सपोज करो मैं सेकेंड रो के अकॉर्डिंग निकालती, तो सेकेंड रो के अकॉर्डिंग कैसे होता, ए टू वन, तो यहां पर 100% ए टू वन ही आता, ए टू टू तो यहां पर ए टू टू आता, ए टू थ्री तो यहां पर कैपिटल ए टू थ्री ही आता। दैट मीन्स तो जिस रो के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे उसी रो के ही हम कोफैक्टर का मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। साथ ही अगर हम क्या करें, ये तो था ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, साथ ही अगर हम करें कि हमने कोफैक्टर तो निकाली सेकेंड रो के अकॉर्डिंग और एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दी फर्स्ट रो के एलिमेंट की, तो ऐसा सम हमेशा जीरो होगा। देखो कैसे, कहने का मतलब है अगर हम यहां पर क्या कर दें, अगर हम ए वन वन में मल्टीप्लाई कर दें ए टू वन की, ए वन टू में मल्टीप्लाई कर दें ए टू टू की, प्लस ए वन थ्री में मल्टीप्लाई कर दें ए वन थ्री में मल्टीप्लाई कर दें ए टू थ्री की, मतलब ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलाउ एक्सपेंशन को, मतलब हमने डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना चाह रहे हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, और जबकि कोफैक्टर किसके यूज किए, सेकेंड रो के, ए टू टू किस रो के, कोफैक्टर देखो सेकेंड रो के यूज किए, और ये जो टर्म्स हैं ये वाली तीनों टर्म्स ये फर्स्ट रो की है, तो ये प्रोडक्ट आप हमेशा निकाल के देखना दिस विल बी जीरो, मतलब अगर सेम रो का सेम कोफैक्टर सेम उसी एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होता है तभी वो डिटरमिनेंट होता है, अदरवाइज दैट इज इक्वल टू जीरो, वो हमेशा जीरो होगा, तो वहां पर डिटरमिनेंट वो नहीं होगा, ये प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर अभी भी नहीं आया तो क्वेश्चंस करते हैं उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उससे पहले प्लीज मेक अ नोट, फॉर एग्जाम्पल बुक का ही एग्जाम्पल है जो की है फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि इन एलिमेंट्स का हमें क्या निकालना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर। अब देखो थ्री क्रॉस थ्री यानी कि नाइन माइनर्स निकलेंगे और नाइन ही कोफैक्टर्स निकलेंगे, तो इस डिटरमिनेंट के हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स एंड माइनर्स, मतलब नाइन माइनर्स नाइन कोफैक्टर्स, और साथ में वेरीफाई करना है ए वन वन ए थ्री वन प्लस ए वन टू ए थ्री टू ए वन थ्री कैपिटल ए थ्री थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो इसका क्या मतलब है, मतलब कि एलिमेंट्स जो लिए हैं वो तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग लिए ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, और कोफैक्टर्स किसके यूज किए गए, थर्ड रो के, तो इनका जब प्रोडक्ट का सम करेंगे ना दैट ऑलवेज विल बी इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यहां पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना रही हूं, अगर हमारे पास होता ए वन वन के साथ कैपिटल ए वन वन, मतलब
इसी फर्स्ट रो के ही एलिमेंट यूज कर रहे हैं और उसी के ही कोफैक्टर यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या आता, प्लस ए वन टू। तो ये भी अगर ए वन टू होता, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट का रो फर्स्ट ले रहे हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और इसी का ही कोफैक्टर, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का इसी का ही कोफैक्टर, प्लस थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का और उसी का ही कोफैक्टर। तो जब भी सेम टाइप में प्रोडक्ट का सम होता है तो दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट, और आप निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। अब ये जीरो नहीं आने वाला जब तक इसका डिटरमिनेंट ही जीरो नहीं होगा, ये हमेशा किसको शो करेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू को। जैसे हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं इसका डिटरमिनेंट, वही इसका आंसर आएगा। और सिर्फ ऐसे ही नहीं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही निकालना है, नहीं, अब अगर हम थर्ड रो के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो एलिमेंट्स भी थर्ड रो के हो और कोफैक्टर्स भी थर्ड रो के मल्टीप्लाई होने चाहिए। जैसे कि ए थ्री वन कैपिटल ए थ्री वन, ए थ्री टू एलिमेंट, अब देखो हम थर्ड रो के एलिमेंट्स ले रहे हैं और कोफैक्टर्स भी थर्ड के ही ले रहे हैं, ए थ्री थ्री और ये भी ए थ्री थ्री, हम देख भी सकते हैं सेम टाइप है बिल्कुल। तो ये हमेशा कभी जीरो तभी होगा जब डिटरमिनेंट ही जीरो है, ये हमेशा वही आएगी सेम वैल्यू जो कि डिटरमिनेंट की होगी। तो ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा था, ये भी पार्ट करके देखेंगे हम कि डिटरमिनेंट इसका क्या आता है, वही इसका आंसर होगा। अभी तो हमने निकाला नहीं है, इसका आंसर कंफर्म है कि ये जीरो होगा, लेकिन इनका आंसर हमें निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट, नहीं तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी पता चल जाएगा कि दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले आएगा एम वन वन, एम वन वन इज व्हाट, मैंने बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट करने के बाद जो डिटरमिनेंट होगा दैट इज माइनर वन वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट करने के बाद ये जो डिटरमिनेंट हुआ जो कि है जीरो फाइव फोर एंड माइनस सेवन, इसको सॉल्व करके जो आएगा दैट इज एम वन वन। तो देखते हैं जीरो ये माइनस का ट्वेंटी ये आ रहा है ना, तो ये आ गया हमारा माइनर एम वन वन। अब एम वन टू कैसे निकलेगा, एम वन टू वो क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को कट करने के बाद, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को कट करने के बाद क्या बचा हमारे पास, सिक्स वन फोर एंड माइनस सेवन। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, माइनस फोर्टी टू, सेवन इंटू सिक्स माइनस का और ये माइनस का फोर जो कि कितना आएगा, माइनस का फोर्टी सिक्स। तो ये आ रहा है हमारा एम वन टू। सिमिलरली एम वन थ्री, एम वन थ्री इज व्हाट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कट करने के बाद यानी कि वो होगा सिक्स जीरो वन फाइव, इसको अगर हम करेंगे फाइव सिक्स जब थर्टी और माइनस जीरो तो थर्टी ही रहेगा एम, फिर टू वन, टू वन मतलब अब एम वन वन एम वन टू एम वन थ्री फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकेंड का आता है एम टू वन, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को कट करने के बाद देखो क्या बचेगा, माइनस थ्री फाइव फाइव एंड माइनस सेवन। तो इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा, ट्वेंटी वन प्लस का एंड माइनस का ट्वेंटी फाइव, तो सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी माइनस का फोर। नेक्स्ट एम टू टू, एम टू टू इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कट करने के बाद देखो क्या बचा, टू फाइव वन एंड माइनस सेवन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का फोर्टीन एंड माइनस का फाइव जो कि माइनस का 19 होगा। देन एम टू थ्री, एम टू थ्री इज व्हाट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कट करोगे देखो कितना आता है, टू माइनस थ्री वन एंड फाइव, तो ये आएगा हमारे पास 10 प्लस थ्री विच इज 13। देन अब देखो सेकेंड रो भी खत्म, अब हम निकालेंगे एम थ्री वन एम थ्री टू एम थ्री थ्री, तो हमारे माइनर्स तो ये सारे आ गए, तो माइनर्स निकल गए सारे एम थ्री वन, एम थ्री इज वन वॉट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कट करने के बाद बचेगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ देखो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कट करने के बाद बचेगा ये वाला जिसको हम लिख सकते हैं फोर थ्री जो ट्वेल्व माइनस का ट्वेल्व और ये जीरो हो ही जाना है, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व। आप लोग निकाल के देख लेना यही आने वाला है, आप समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट एम थ्री टू, एम थ्री टू इज वॉट, थर्ड रो सेकेंड कॉलम
तो देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम अगर हम कट कर देंगे थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 4 × 8 − 8 − 30, तो जो कि होगा माइनस का 22, यही आएगा माइनस का 22। एम 2 3 हो गया, नेक्स्ट m 3 3, m 3 3 इज व्हाट, थर्ड रो थर्ड कॉलम को कट करने के बाद 0, 6 × 3 = 18, माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 18। आप लोग फाइंड करके देख सकते हैं सिमिलर वे में, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है दो तीन स्टेप, 0 माइनस का 18, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारे पास 18। तो ये हो गए हमारे माइनस, तो आप अगर बुक में भी चेक करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है तो वहां से भी सेम ही दिख रहे होंगे। नेक्स्ट आता है ए आई जे, अब हमें निकालना है साथ में कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स मैंने बताया था क्या होता है, कोफैक्टर्स को हम भी नोट करते हैं, a11, अब a11 इज −1 की पावर 1 + 1, और m11, m11 देखो कितना आया था, m11 की वैल्यू है और ये −1 का स्क्वायर जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस का ही आने वाला है, दिस इज प्लस, −1 का स्क्वायर है क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं −1 का स्क्वायर, और m11 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी दैट इज −20, तो देखो ये तो पॉजिटिव है तो आंसर इज −20। सिमिलरली a12 निकालेंगे तो −1 की पावर 1 + 2, m12 कितना आएगा, देखो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि −1 की पावर 3, तो माइनस का, और m12 की वैल्यू कितनी थी वो भी नेगेटिव थी, तो −46, तो दैट विल बिकम 46। तो ये होता है हमारा कोफैक्टर सेकंड। नेक्स्ट a13 −1 की पावर 1 + 3 जो कि पॉजिटिव होगी, m13 कितना आएगा देखते हैं, जो कि आएगा हमारे पास a13 पॉजिटिव आएगा यहां पर, और m13 की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो जो कि 30 होगी, तो पॉजिटिव 30। देन a23 इज −1 की पावर 2 + 3, तो −1 की पावर 5 विच इज नेगेटिव, और यहां पर होगा m23, तो पहले तो नेगेटिव साइन आ रहा है इसकी वजह से, और m23 की वैल्यू देखते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई क्या, m21 तो निकाला ही नहीं, पहले तो m21 आता ना, कोई बात नहीं चलो देख लेते हैं m21, तो −1 की पावर 2 + 1 तब भी नेगेटिव, −1 की पावर 3 है तो नेगेटिव, m21 की वैल्यू है हमारे पास −4, तो दैट विल बिकम +4, राइट। देन a22 इज −1 की पावर 2 + 2 विच इज पॉजिटिव, और m22 तो पॉजिटिव, m22 की वैल्यू देखते हैं −19, तो जो कि क्या हो जाएगी −19। a23 अब देखो −1 की पावर 2 + 3, m23 तो −5 यानी कि नेगेटिव, और 23 की वैल्यू देखो, m23 की वैल्यू है 30, तो विच इज −30, तो आंसर इज −30। देन a31 a32 a33 निकालते हैं देखते हैं, अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, जैसे ये स्टेप तीनों डायरेक्ट लिखे, या फिर कर लेते हैं −1 की पावर 3 + 1 = 4 जो कि पॉजिटिव आएगा, और m31 पॉजिटिव, m31 की वैल्यू है −12, तो नेगेटिव ही आएगा −12, ठीक है। a32 अब देखो ये नेगेटिव आएगा −1 की पावर 3 + 2, m32 विच इज नेगेटिव, −1 की पावर क्योंकि 5 है, और m32 इज −22, तो ये पॉजिटिव हो जाना है, 22 नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। लास्ट इज 3 3, तो −1 की पावर 3 + 3 विच इज पॉजिटिव, और m33 तो पॉजिटिव आने वाला है, और m33 की वैल्यू कितनी है 18, तो आंसर इज +18। तो ये हो गए हमारे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, होप सो आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब हमें वेरीफाई करना है ये रिजल्ट, रिजल्ट को वेरीफाई करके देखने के लिए हमें ये वैल्यूज चाहिए होंगी, तो उससे पहले प्लीज नोट डाउन, मुझे थोड़ा सा कुछ रब करना पड़ेगा, प्लीज मेक अ नोट। तो यहाँ से हम रब कर रहे हैं माइनर्स, क्योंकि माइनर्स की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो माइनर्स को मैं रब कर रही हूँ यहाँ से, जिसकी जगह पर हम करके दिखाएंगे,
हमारा वेरीफाइड रिजल्ट जो हमें वेरीफाई करना है, जो कि क्या है A11, हमें वेरीफाई करना है A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33। तो निकाल के देखते हैं कितना आता है। वेरीफाई करना है दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो A11 इज पहली रो का पहला एलिमेंट जो कि कितना है A11 2। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 2, तो ये है 2। और A31 हमने निकाला था ये रहा। A31 की वैल्यू है कितनी -12। तो देखो इसमें क्या रहा, फर्स्ट रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई हुई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है और थर्ड रो के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई हुई है। देन A12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम कट करेंगे तो वैल्यू इज -3। A12 की वैल्यू कितनी है, A12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम कट करेंगे तो -3 इज द आंसर ऑफ A12। और A32 विच इज 22 प्लस देन A13 इज फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम इज 5 की मल्टीप्लाई किस पे होगी A33 जो कि 18 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो देखते हैं कितना आता है। दिस इज -42 माइनस का ये कितना आएगा 66 माइनस का हो जाएगा माइनस का 66 और ये 90, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 प्लस का। तो देखते हैं कितना आता है। यहां पर थोड़ा सा देखो अगर सम करेंगे तो 0 नहीं आ रहा, कुछ तो मिस्टेक हुई है। A31 इज -12 और हमने माइनस का 21 लिख दिया, ये गलत हो गया है। दिस इज -12 यहाँ पर मिस्टेक हो गई है बिग। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 24। और अब हम अगर इसको सम करेंगे तो देखो ये कितना आएगा 6 और 4 माइनस का 10 एंड 90 माइनस का 90 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 0। तो जो रिजल्ट उसने वेरीफाई करने के लिए बोला वो हमारा वेरीफाई हो गया। तो सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता, मेन काम है ये हमने ऐसा किया क्यों। हमने ये बताया कि किसी, अब हमने रो के एलिमेंट फर्स्ट रो के तो एलिमेंट उठाए, ये किसके एलिमेंट थे फर्स्ट रो के, और कोफैक्टर्स किसके थे थर्ड के, कोफैक्टर्स थे थर्ड वाले। अगर ध्यान से देखोगे ये कोफैक्टर A31 A32 A33, तो रो कौन सी चल रही है यहाँ पर थर्ड रो के, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है 0। मतलब अगर हम क्या करेंगे, अब हम मैं बताना चाह रही थी ये वाला, अगर सेम रो के एलिमेंट्स का सेम रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो मैं एक रिजल्ट लेके चल रही हूँ ये वाला, तो देखते हैं A11 कैपिटल प्लस A12 प्लस A13 कैपिटल A13। तो देखते हैं इसको कितना आता है। A11 इज 2, अभी भी देखा 2 था, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, और A11 की वैल्यू देखो कितनी है, A11 की वैल्यू है -20 प्लस A12 इज -3 एंड A12 यहां से कितना है 46 प्लस A13 इज 5 की मल्टीप्लाई A13 में जो कि 30 है। तो इसको सॉल्व करके हम देखेंगे जो कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल आएगा। देखते हैं कितना आता है -40 यार है, माइनस का 3 × 46 विल बी व्हाट 138। दिस इज 138, कैलकुलेशन करोगे तो वो पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, प्लस 150। और इसको अगर हम सम कर रहे हैं देखें 138 और 40 को सम करेंगे तो माइनस का 178 प्लस 150, तो सब्ट्रैक्ट जब इसको करोगे तो कितना आएगा 828 जो कि नेगेटिव साइन होगा। तो अगर हम इस डिटरमिनेंट को भी सॉल्व करेंगे ना तो यही माइनस का 28 आएगा। आप देखो 0 नहीं आ रहा, दिस इज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो हमने यहां से क्या सीखा इन दो रिजल्ट से, फर्स्ट सेकंड, अगर यहां पर बस मुझे ये सिखाना था, अगर किसी रो के एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, अगर उसी रो के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई उन एलिमेंट्स के साथ करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमेशा उस डिटरमिनेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगी। जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है वही आंसर आएगा। आप इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख सकते हैं, वो भी यही आएगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हमने यहां से क्या सीखा, अगर हम रो लेते हैं कोई दूसरी और कोफैक्टर्स देते हैं किसी और के,
फर्स्ट रो के जैसे एलिमेंट्स लिए लेकिन फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स नहीं लिए, कोफैक्टर्स लिए सेकंड या थर्ड रो के। तो इस टाइप का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा दैट ऑलवेज विल बी जीरो। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज मेक अ नोट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 जो कि हमारे पास क्या है, अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखें उसमें सिर्फ हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने, जो कि मैंने अभी इसी क्वेश्चन में कराया था एग्जांपल वाले में, होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे को एक थोड़ा सा डिफरेंट बताना है, मैं कोई एक क्वेश्चन ले लेती हूँ फर्स्ट का सेकेंड पार्ट जो की हमें गिवन है, एक डिटर्मिनेंट गिवन है ए सी बी एंड डी, इस डिटरमिनेंट के माइनर्स निकालें और साथ ही कोफैक्टर्स निकालें, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब अगर ये हमें गिवन है तो पहले तो क्या करना होगा, अभी को 2x2 की, अभी हमने 3x3 का तो किया था, 2x2 का कैसे होगा, अब ये डिटरमिनेंट दिए हुए हमें तो माइनर्स निकालोगे तो पहले क्या निकलेंगे m11, मैंने बताया था जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकलेंगे, एक निकलेगा m12, फिर a21 एंड सॉरी m22, m इज माइनर्स एंड देन कोफैक्टर्स a11 a12 a21 एंड a22, दीज आर दी कोफैक्टर्स। तो निकाल के देखते हैं कैसे, सिंपल क्या करना होगा बस, अब m11 क्या होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट करने के बाद जो बचे उसका डिटरमिनेंट। अब डी का डिटरमिनेंट हमें पता है, एक एलिमेंट का डिटरमिनेंट क्या आएगा, वापस वही एलिमेंट आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डी, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट करने के बाद क्या बचा डी, डी का डिटरमिनेंट विल बी डी। देन नेक्स्ट m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट करेंगे, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट करेंगे तो बी आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कट करेंगे तो सी आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कट करेंगे तो ए आ जाएगा। तो ये आगे माइनर्स कितना सिंपल है, अगर 2x2 का मैट्रिसेस या डिटरमिनेंट गिवन है तो। नेक्स्ट इज a11 इज -1 की पावर 1+1, बस पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस होगा, ये पॉजिटिव और साथ में m11। अब m11 की ये पॉजिटिव m11 की वैल्यू कितनी थी डी, तो प्लस का डी। अब देखो माइनस a12 -1 की पावर 1+2 यानी कि नेगेटिव आने वाला है, तो -1 2 की वैल्यू कितनी थी m12 की, जो कि थी b, तो आंसर इज -b। सिमिलरली a21 इज m21 कितना आएगा c, माइनस का c। देन a22 इज -1 की पावर 2+2, m22 कितना वैल्यू आएगा प्लस का ए, क्योंकि ये पॉजिटिव होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये आगे हमारे कोफैक्टर्स, ठीक है। अब हमने क्या बोला, बस इसमें यही बोला गया था क्वेश्चन में कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए कि इसी में मैं बता देती हूँ, बोलेगा सी के अलोंग माइनर बताओ, सी के अलोंग माइनर, अब इसमें सी किधर है, सी ए रहा, इसके अलोंग माइनर मतलब सी वाला टर्म कट कर दो, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आता है सी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट करने के बाद जो बचा दैट इज दी माइनर। तो ये तो 2x2 का था, इस टाइप से बताना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इससे पहले प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें मैं बताने वाली हूँ वही माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो सेकंड ले लेते हैं, आइडेंटिटी वाला ही ले लेते हैं या फिर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई 0 1 0 0 0 1, अब इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, इसके माइनर्स कोफैक्टर पहले तो वही m11 विच इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट करने के बाद जो बचा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट करने के बाद बचा 1 0 0 1, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 1। सिमिलरली m12 इज व्हाट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कट करने के बाद देखो क्या बचेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट करेंगे तो 0001, तो दैट इज इक्वल टू 0, राइट। देन M13 इज व्हाट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कट करने के बाद, तो देखो 0 माइनस 0, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप यहां से इजिली समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कट करोगे तो देखो जो बचा उसका डिटरमिनेंट 0 माइनस 0, तो 0। देन M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कट फर्स्ट कॉलम, तो 0 माइनस 0, दिस इज ऑल्सो 0। M22 क्या आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कट करने के बाद बचा 1001। अब देखो 1001 इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 1, और बाकी के सिमिलरली आप कर सकते हैं, यहां से आप फाइंड करके देखना सिमिलरली। ये तो था माइनर्स कोफैक्टर्सेस, a11 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1 +1 m11, तो क्या वैल्यू थी, अब देखो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव +1, और बाकी के देखो a12 भी 0 होगा, a13 भी 0 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किसकी होगी, -1 की पावर कुछ भी कर लो -0 0 ही रहेगा, तो ये सारे 0 आने वाला है। सिमिलरली a21 इज ऑल्सो 0, a22 डिफर आएगा जो कि क्या आएगा -1 की पावर 2 +2, m22 विच इज इक्वल टू अगेन +1। सिमिलरली यू कैन फाइंड कोफैक्टर्स ऑल्सो। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आता है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को यूज करते हुए हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट ऐसे नहीं कि एक्सपेंड करना पड़ रहा है, हमें कोफैक्टर्स को यूज करते हुए, तो मैंने बताया था अगर सेकेंड रो की कोफैक्टर्स है तो उसी के एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करी जाएगी तो दैट इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट। तो जिस भी रो के या कॉलम के कोफैक्टर्स बोले जाए तो उसके कोफैक्टर्स निकालो, अब सेकेंड रो के कोफैक्टर्स क्या होंगे, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स होंगे a21 a22 एंड a23, यही होंगे ना, अगर इसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दी जाए यानी कि डिटरमिनेंट विल बी व्हाट, a21 a22 + a23। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो जहां पर a21 ये है, a22 ये है स्मॉल में, और a23 यानी कि एलिमेंट्स ये है, और कोफैक्टर्स अभी हमने निकालना सीखा, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज द डिटरमिनेंट। अब हमें एक्सपेंड करके देखने की जरूरत नहीं है, दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट यूजिंग कोफैक्टर्स और माइनर्स। तो करके देखते हैं a21, पहले एलिमेंट्स तो हम लोगों को पता है क्या क्या एलिमेंट्स है, a21 इज 2, a22 इज 0, a23 इज 1। नाउ वी हैव टू फाइंड a21, सिर्फ वही फाइंड करना है जिसके अकॉर्डिंग बोल दिया, बस उतने के अकॉर्डिंग करो, आप पूरे निकालने की जरूरत नहीं है। जहां पर बोला जाए फाइंड ऑल दी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स या सारे एलिमेंट्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, वहां पर हमें सारे निकालने की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ पर बस बोल दिया कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो के अकॉर्डिंग इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, तो इसलिए हम सेकेंड रो के कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो क्या होते हैं, क्या होता है ये 2 + 1 m21, या फिर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑफ m21 कितना होता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कट करने के बाद जो होता है डिटरमिनेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 8 2 3, तो जो कि आएगा 9 - 16, तो देखो कितना आता है, दिस इज -7। अब देखो ये -7 है और एक माइनस बाहर था, तो -7, तो दैट इज +7, तो ये आ गया a21। सिमिलरली a22 -1 की पावर 2 + 2 m22, अब कैसे होगा, ये तो पॉजिटिव हो गया, और 22 m22 कैसे निकलेगा, इन दोनों को कट करके बाकी का डिटरमिनेंट जो कि हमारे पास होगा 5 8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को कट करने के बाद 5 8 1 3, इसको सॉल्व करेंगे 15 - 8, तो हमारे पास ये भी कितना आएगा 7। a23 इज -1 की पावर 2 + 3 m23, अब देखो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस की पावर -1 की पावर 5 है, तो नेगेटिव, और m23 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम आप कट करोगे तो 5 3 1 2, तो डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं 5 3
वन एंड टू, तो ये आएगा पहले तो माइनस साइन चल रहा है बाहर, टेन माइनस थ्री तो दैट विल बी माइनस का सेवन, तो ये आया इस बार माइनस का सेवन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए टू वन टू, ए टू वन इज टू, ए टू वन की यहां से वैल्यू है सेवन प्लस ए टू टू इज जीरो इंटू ए टू टू की वैल्यू है सेवन प्लस ए टू थ्री इज, ए टू थ्री कितना है वन एंड ए टू थ्री की वैल्यू है माइनस सेवन। तो देखो यहां से कितना आ रही है, फोर्टीन ये जीरो हो जाएगा प्लस जीरो माइनस सेवन तो दैट विल बी फोर्टीन माइनस सेवन विल बी सेवन। तो यही हमारा डिटर्मिनेंट है, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं सेम वे में आएगा। होप सो समझ में आया होगा, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो कि गिवन है हमें यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। इस बार हमें थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स और उसी के ही कोफैक्टर यूज करते हुए क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट। तो इस बार थर्ड के एलिमेंट्स यानी कि ये एलिमेंट्स और इसी के ही कोफैक्टर्स, तो क्या होंगे पहले तो एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स। एलिमेंट्स हो जाएंगे थर्ड के कितने, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला होता है ए वन थ्री, ये होता है क्या होता है ये वाला एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, देन सेकेंड रो का थर्ड कॉलम ए टू थ्री एंड दिस इज ए थ्री थ्री, तो यही पता होना चाहिए बस। तो यानी कि अब हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू ए वन थ्री प्लस ए टू थ्री प्लस ए थ्री थ्री, तो हमें यही तीनों, ये तीनों कोफैक्टर्स निकाले हैं और जबकि हमें ए वन थ्री ए टू थ्री ए थ्री थ्री पता ही है। तो देखते हैं पहले निकालते हैं ए वन थ्री, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे ए वन थ्री, तो जितना बोला गया है बस कॉलम थर्ड के अकॉर्डिंग, कॉलम थर्ड के कोफैक्टर्स ए वन थ्री ए टू थ्री ए थ्री थ्री, क्योंकि थर्ड कॉलम सभी में थर्ड कॉलम है राइट। तो इसलिए देखने का एक तरीका ये भी है, कॉलम ये लास्ट वाला होता है तो सबके पीछे थ्री 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 वाला टर्म, तो देखते हैं कितना आएगा ए वन थ्री, ए वन थ्री इज माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री एंड एम वन थ्री, एम वन थ्री जिसको हम लिख सकते हैं माइनस वन की पावर फोर यानी कि पॉजिटिव, और एम वन थ्री यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कट करने के बाद क्या बचेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखो उसके बाद डिटर्मिनेंट बचा वन वन वाई जेड, जो कि सॉल्व करोगे तो आएगा z माइनस वाई, सिंपल। सिमिलरली a टू थ्री, तो देखो इस बार आने वाली नेगेटिव वैल्यू m टू थ्री, तो देखो ये हो गया नेगेटिव टू थ्री, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कट वन एक्स वन जेड, वन एक्स वन जेड, तो ये कितना आ गया माइनस का z माइनस एक्स, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस जेड, लिख सकते कि नहीं। तो ये हो गया ए टू थ्री, नेक्स्ट इज ए थ्री थ्री, माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री जो कि पॉजिटिव होगी, एम थ्री थ्री पॉजिटिव, थर्ड रो थर्ड कॉलम कट करो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये बचेगा वन वन एक्स एंड वाई, तो जिसको हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, तो ये आप वैल्यूज आ गई। बस अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर दो, ए वन थ्री इज y z and a वन थ्री इज z माइनस वाई प्लस a टू थ्री इज z x, a टू थ्री इज x माइनस z प्लस a थ्री थ्री इज x y, x इंटू वाई, और इसको सॉल्व करा तो a थ्री थ्री इज y माइनस x। अब बस हमें इसी को सॉल्व करना है और इसी को थोड़ा बहुत फैक्टर करके देख लेंगे क्या आता है, तो देखते हैं क्या आता है, y z स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर z प्लस z स्क्वायर x माइनस का सॉरी ये गलत लिख दिया, z x स्क्वायर होगा माइनस का z स्क्वायर x प्लस x y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर y। अब इनको किसी की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में करके फैक्टर किया जा सकता है, लाइक एज x की हाईएस्ट पावर, फिर देन देखते हैं x की हाईएस्ट पावर, देखो यहाँ पर पहले x x की पावर ले लो, x की फिर डिक्रीजिंग पावर, x की पावर सबसे हाईएस्ट दिख रही है टू,
तो पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स एक्स वाली टर्म, देन विदाउट एक्स वाली टर्म, तो उसके अकॉर्डिंग इजिली निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एक मुझे यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ, तो इनको नंबर वन पे लिख लेते हैं। इनको ऐसे लिख सकते हैं जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर हो गया, फिर देखा एक्स एक्स वाली, बस ये दो टर्म है इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो उसके बाद हम लेंगे एक्स एक्स वाली टर्म। तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर ले लिया मैंने, माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, ये एक्स एक्स वाली दोनों टर्म। पहले एक्स स्क्वायर की हाइएस्ट पावर, फिर उससे कम क्या होगी, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर वन, अब एक्स की पावर जीरो, यानी कि जिसमें एक्स होगा ही नहीं, तो वो बची ये दोनों टर्म। इनको लिखेंगे वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड। तो देखते हैं कॉमन लेते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो देखो कितना आता है जेड माइनस वाई। यहां से हम एक्स कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां से हम वाई जेड कॉमन लेंगे तो बचेगा जेड माइनस वाई। अब जेड माइनस वाई कॉमन आते हुए दिख रहा है, देखो जेड माइनस वाई, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस जेड, जेड माइनस वाई लिख सकते कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और बस माइनस का थोड़ा सा चेंज है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां पर ही कॉमन ले लेती हूँ मैं, एक काम करती हूँ ये सब y माइनस जेड बना लेते हैं, y माइनस जेड, मैंने माइनस कॉमन लिया इसमें, इसको हमने लिखा y माइनस जेड वाई प्लस जेड, देन इसमें भी माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया वाई जेड वाई माइनस जेड। तो कॉमन लो देखो कितना आता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल हो गया है इसका, इससे बेटर था हम डायरेक्ट एक्सपेंड करें, लेकिन इसमें बस ये है कि इसी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हुआ है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करा होता तो इन दोनों को जीरो बनाते एक्सपेंड कर देते तो भी ये कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ती। तो देखते हैं कैसे करते हैं, y माइनस जेड अगर कॉमन लेंगे तो दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस का x, अब यहाँ पे ये माइनस वाला तो गया टर्म, बचेगा y प्लस जेड माइनस वाई जेड, बस यही बचेगा क्योंकि y माइनस जेड बाहर आ गया एक फैक्टर, तो y माइनस जेड तो हो गया है। अब यहां से मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का एक्स जेड माइनस का वाई जेड, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया था, ये टर्म थोड़ा सा गलत हो गया है, देखो यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था, नहीं इसमें लिया था, तो माइनस कहाँ गया, ये रहा माइनस, ऐसे ही सिमिलरली हमने इसमें लिया था, ये दोनों माइनस की टर्म है, ये माइनस यहाँ पे रह गया, हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था तो ये माइनस का चल रहा था, तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पर ये आ गया। अब हम देखते हैं एक प्लस वाली टर्म ले लेते, माइनस वाली, अगर इन दोनों में से हम जेड कॉमन लेंगे तो ये एक्स माइनस वाई बचेगा, और इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो देखते हैं कितना बचेगा, तो भी x माइनस वाई बचेगा, तो देखते हैं कितना आता है y माइनस जेड। यहां से हमने क्या किया, यहां से z कॉमन ले लेते हैं, तो देखते हैं यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लोगे तो ये बचेगा y माइनस एक्स, देखो x कॉमन लिए पहले पॉजिटिव टर्म y फिर माइनस का x, प्लस यहां से हमारा z कॉमन है तो ये बन गया x माइनस वाई। तो देखो ये x माइनस वाई, ये y माइनस एक्स, तो x माइनस वाई बना लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पर, और x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं राइट। तो देखो बाहर था y माइनस जेड, y माइनस जेड, यहां से x माइनस वाई कॉमन ले रहे हो, पहले यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो देखो x माइनस वाई कॉमन ले लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बचेगा z माइनस एक्स, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, बस फैक्टर्स कॉमन लिए, एक्स माइनस वाई ये नेगेटिव हो गया था, ये पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आता है, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही करा दिया था, समझ आ रहा है कि नहीं, वही डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो किसके किसके कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके आएंगे। अब देखो ऑप्शन ए दिया हुआ है ए वन वन और कैपिटल ए थ्री वन, यानी कि अभी हमने ये ही सॉल्व किया था, दिस इज जीरो एग्जाम्पल जो कराया था मैंने सॉल्व, कि एलिमेंट्स तो ले लिए फर्स्ट रो के, ए वाले ऑप्शन में फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए हुए ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री जो लिए हुए स्मॉल,
और कैपिटल यानी कि कोफैक्टर्स लिए हुए थर्ड के A31, A32, A33। तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, अगर सेम रो के एलिमेंट्स की सेम रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं होती तो वो डिटर्मिनेंट जीरो होता है, वो चीज जीरो होता है, ये जो प्रोडक्ट का सम है। लेकिन अगर सेम रो के बार बार यही बताया जा रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ में भी हमने किया, कि सेम रो के एलिमेंट्स और उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई की जाती है तो दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ही पूछ रहा है कि क्या होगा, तो जहां सेम सेम दिखे यानी कि सेम एलिमेंट्स और सेम ही कोफैक्टर, तो ऑप्शन बी इज A11, A12, A21। देखो यहां पर रॉन्ग है, ये बी ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो A12, A21 रॉन्ग हो गया। एलिमेंट तो A12 जो है स्मॉल में, A12 किसका लिया हुआ है, यहां पे रब कर देती हूं मैं थोड़ा सा समझाने के लिए। देखो यहां पर बी ऑप्शन में ये मिस्टेक हो गया है, A11 तक तो ठीक था, यहां पर प्लस करके A12 यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम लिया है, लेकिन यहां पर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया है सेकंड रो का, तो ये तो ऑप्शन होता ही नहीं। अगर ये 1 2 होता तो ये वाला पोर्शन ठीक होता, पर दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज, अब देखो यही देख के बता दो, A21 A11, तो यहीं पर रॉन्ग हो गया ये भी। और डी ऑप्शन इज सेम, देखो A11 प्लस A21 देन प्लस A31, तो A31, तो हमने क्या देखा, जो सेम है यहां पर हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, देखो सब में सेम क्या है, फर्स्ट कॉलम, अगर ध्यान से देखोगे फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, और जो एलिमेंट इधर है वही इधर है, तो सेम जब होगा तभी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिटर्मिनेंट को, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहां तक खत्म होती है हमारी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई क्वेरी रहती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।